अंकिता हत्याकांड को लेकर गोपेश्वर में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अपना विरोध जताया है। जहां उन्होंने हत्या आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही, इस बाबत उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं जिसमें उन्होंने अंकिता हत्याकांड केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और अंकिता के फैमिली में किसी को सरकारी जॉब के साथ ही उन्हें मुआवजा राशि देने की भी बात कही है। आपको बता दें कि व्यापार संघ अध्यक्ष अंकोला पुरोहित ने कहा कि इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित रह सकें। बता दें कि अंकिता हत्याकांड को लेकर जिले भर में आक्रोश का माहौल है। लगातार लोग हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसी के तहत व्यापार संघ गोपेश्वर ने व्यापारी से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया है, साथ ही हत्यारों को सजा दिलाने की बात कही गई है। इस दौरान व्यापारियों ने गोपीनाथ मंदिर से पुलिस तक रैली निकालकर अपना विरोध जताया और अंकिता को इंसाफ दिलाने की बात कही। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के इतिहास में एक बहुत बड़ी दुर्घटना, हम इसको कह सकते हैं, जो घटित हुई है। हमारी पहाड़ की बेटी अंकिता जो है, जिसको मौत के घाट उतारा गया है और बहुत निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई है। इसमें आज हम प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक युवा वर्ग इस समय बहुत आक्रोशित है पूरे उत्तराखंड का। इसको देखते हुए व्यापार मंडल गोपेश्वर द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, जिसका पूरा समर्थन व्यापारियों द्वारा दिया गया। प्रेषित कर रहे हैं या क्या कुछ कार्रवाई? आज जो व्यापार मंडल है गोपेश्वर का, उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है जो अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई है उसके सापेक्ष में। तो ये जो ज्ञापन प्रेषित किया गया है, ये हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और जो भी उनकी मांगे हैं वो आगे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की जाएगी।